मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत 29 जून भारत के सांख्यिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन। प्रख्यात भारतीय सांख्यिकी विद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालदोबिस, एक ऐसे सांख्यिक विद जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा से सांख्यिकी का मानव कल्याण के लिए किस तरह से उपयोग किया जाए, इसकी अनेक संभावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। इनका जन्म हुआ था 29 जून सन 1893 को कोलकाता में, एक ऐसे परिवार में जहां बौद्धिक लोगों का, समाज सुधारकों का बराबर आना जाना रहा है। ऐसे परिवार में जन्म लेकर प्रोफेसर महालदोबिस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी में अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे लंदन चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों विषयों में आपने विशेष अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए। अपने समकालीन दौर में प्रोफेसर महालदोबिस का अनेक प्रमुख व्यक्तियों के साथ संपर्क रहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का इन्हें भरपूर सानिध्य मिला। उनके साथ इन्होंने अनेक विदेश यात्राएं भी की। प्रोफेसर महालदोबिस शांति निकेतन में भी कुछ समय तक रहे। देश की आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। योजना आयोग के सदस्य और पंचवर्षीय योजनाओं से सक्रिय जुड़ाव के कारण भारत सरकार ने इन्हें अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी विभूषित किया। वे आजादी के बाद नवगठित मंत्रिमंडल में सांख्यिकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करते रहे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करने में इनकी महती भूमिका रही। इन्हीं के सुझावों और कार्य योजना पर कार्य करते हुए भारत के औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इन्होंने बाढ़ नियंत्रण और बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में उस समय जो कार्य किया, उसके अनेक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। वर्ष 1932 में इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। आज यह संस्थान सांख्यिकी के अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है। इस अप्रैल 1932 को स्थापित यह संस्थान आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देश में इसके 10 केंद्र इस समय कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता का केंद्र सबसे प्रमुख है। प्रोफेसर महालदोबिस ने देश के विकास में सांख्यिकी और योजनाओं के महत्व को रेखांकित किया। महालदोबिस दूरी अर्थात स्टैटिस्टिकल मेजर की खोज के कारण इन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। यह एक ऐसा सांख्यिकी माप था जिसने हमारे जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में एक आधार भूमिका तैयार की। सांख्यिकी का विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में, चाहे हमारे सामाजिक आर्थिक विकास की रूपरेखा हो, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हो, शिक्षा की बात हो, पर्यावरण की बात हो या जनसंख्या के संदर्भ में हम बात करें, इन सब में सांख्यिकी की क्या भूमिका हो सकती है, इन्होंने विशेष रूप से स्थापित किया। और आज तो हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यदि हम ये कहें कि वो डेटा की दुनिया है, तो शायद गलत नहीं होगा, जहां आज इसी डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रयास और कानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रोफेसर महालदोबिस ने मौसम विज्ञान और मानव विज्ञान के क्षेत्र में भी सांख्यिकी के उपयोग को रेखांकित किया। 1950 में
पहला डिजिटल कंप्यूटर लाने की दिशा में भी उनका योगदान रहा है। सैंपल सर्वे तकनीक को भी इन्होंने व्यापकता प्रदान की। एक प्रकार से इस महान सांख्यिकी विद के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए जहां भारत सरकार ने इन्हें दूसरे भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया, वहीं इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया और साथ ही इनकी 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर 125 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। आज उस महान सांख्यिकीविद का जन्मदिन है। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह उम्मीद और विश्वास प्रकट करते हैं कि उन्होंने सांख्यिकी को एक अनुशासन के रूप में विकसित करने में जो अपना विशेष योगदान दिया है, उसका उपयोग हम व्यापक सामाजिक हित में करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की ओर से भी वर्ष 2010 में एक विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा की गई और यह तिथि थी 20 अक्टूबर। यह दिन इसी सांख्यिकी के महत्व को प्रदर्शित करता है। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए हम भारतीय सांख्यिकी के पितामह प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महल नोबिस की इस जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए सांख्यिकी के विकास और शोध अनुसंधान को आगे बढ़ने की दिशा में एक संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।